111 हो गए, 110 थे अब 111 हो गए, बहुमत से एक दूर है भारतीय जनता पार्टी। जब तक हम आपसे बात खत्म करेंगे शायद पूर्ण बहुमत पा ले यहाँ पर, ऐसा हमको प्रतीत होता है कैलाश विजयवर्गीय जी। मुझे ये बताइए कि चुनाव के अंदर एक कंसिस्टेंसी लगती है, चुनाव के अंदर एक गंभीर बिहेवियर लगता है, चुनाव के अंदर चुनौतियों से समय समय पर निपटने की क्षमता की जरूरत लगती है, पेशेंस के साथ लड़ना और उत्साह के साथ लड़ना, लेकिन उत्साह और पेशेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कितना मुश्किल काम होता है। देखिए वैसे तो कोई खास बात नहीं, डेमोक्रेसी में चुनाव होते रहते हैं, देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, पर जब षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना हो तो निश्चित रूप से हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिस स्तर पर सामने वाला चुनाव लड़ रहा है उस स्तर पर हम नहीं जाकर हम अपना स्तर मेंटेन करके चलें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस हल्के स्तर की राजनीति की नहीं की जो कांग्रेस ने कर्नाटक में की है, और इसका श्रेय मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में कम से कम एक स्तर उन्होंने बना के रखा और कांग्रेस के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। मुझे एक बात बताइए कि बड़ी बात हुई थी गुजरात मॉडल को कॉम्बेट करने के लिए कर्नाटका मॉडल की, कि सिद्धारमैया कर्नाटका मॉडल लेकर आए हैं, सबसे आइडियल स्टेट चला रहे हैं, सबसे सदे हुए मुख्यमंत्री है, सबसे मंझे हुए रणनीतिकार है, और उनका ये इम्प्रेशन भी चुनाव तक चलता रहा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में पूरी तरह कूदे नहीं तब तक। मुझे बताइए क्या कांग्रेस का वो कर्नाटक मॉडल फेल हो गया? देखिए कांग्रेस का तो हर मॉडल फेल हुआ है, चाहे राहुल जी का मॉडल हो चाहे सिद्धरमैया का मॉडल हो। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली सभा में अमित भाई ने कहा था कि ये 10% वाली सरकार है और ये जनता को एकदम गले उतर गई कि यहां बिना लिए दिए काम ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस सरकार के भ्रष्टाचार, हल्की राजनीति, मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन, दिए गए गलत कृत्य, इस सब का चेहरा उजागर हो गया और जनता बड़ी समझदार है। आजकल बहुत साइलेंट तरीके से कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस को नकारा, कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को नकारा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी नकारा। मैं मानता हूं स्थानीय और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों को नकारा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के लिए बीजेपी के लिए जो है थोड़ा रिएक्शनरी भी साबित होगा, इसलिए क्योंकि अब अपोजिशन की पार्टियां और डरेंगी और आपके खिलाफ 2019 में और एकजुट हो जाएंगी? देखिए हम तो चाहते हैं कि इस देश में 51% का इलेक्शन हो, हमारी ताकत भी पता लगे और उन सब लोगों की ताकत भी पता लगे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन कर रहे हैं। हमारी नीयत और नीति साफ है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो देश को आगे बढ़ाने के समर्थन में होंगे वो हमारे साथ आएंगे, जो इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों के गठबंधन के साथ समर्थन में होंगे उनका चेहरा भी बहुत सामने आ जाएगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि संयुक्त विपक्ष बने जिससे हमारी ताकत का भी अंदाज लगे और जनता में जो हमारी पेट है, जनता में जो हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत सामने आ जाएगा। और इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष आ जाएगा तो हमारे लिए चुनौती होगा, कोई चुनौती नहीं होगा। इसका मतलब है कि सारे राजनीतिक दलों ने यह मान लिया है कि देश में सबसे बड़ा ताकतवर राजनीतिक नेता है तो वह है नरेंद्र मोदी, और सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी। और हमें कहते हुए गर्व है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ जो हमने नेटवर्क बनाया है उसका लाभ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लाभ हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वाकई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी वही है। कैलाश जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2019 के लिए अब आपको एक ऑब्स्टिकल पार करना और बाकी है जो है हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव, जिसमें आपका राज्य मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ भी है, वहां की चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर मध्य प्रदेश जहां पर कमलनाथ जी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा है और सबने एकजुटता भी दिखाई है वहां जाकर?
देखिए कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो ज्यादातर दिल्ली में रहे हैं और मध्य प्रदेश के भूगोल को अभी उन्हें समझना पड़ेगा जब तक चुनाव आ जाएंगे। ज्योतिराज सिंधिया जी पिछली बार भी चुनाव समिति के अध्यक्ष थे, वह टेस्टेड नेता हैं और मैं समझता हूं कि उस वक्त जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चुनाव आयोग का या चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया, सबसे कम कांग्रेस की सीटें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे टेस्टेड लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई चुनौती है। शिवराज जी की बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जाकर प्रदेश का विकास किया है, तो वो जन जन के नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं और उसकी तुलना में कांग्रेस के पास जो नेता है वो बहुत बोले हैं अभी, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं मानता। मुझे आप ये बताइए कि 2019 के लिए, 2019 जो आपके लिए कितनी बड़ी चीज है कर्नाटक का जीत जाना? देखिए कर्नाटक का जीतना हमारे लिए कई मायनों में बहुत फायदेमंद है। जैसा कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का हम इसको प्रवेश द्वार मानते हैं और साउथ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पेट कम थी, पर कर्नाटक के चुनाव की जीत से हम साउथ में बहुत आगे बढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर हमें दिखाई देगा। बाकी राज्यों के भी जो चुनाव होने वाले, जिस प्रकार भी आपने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां के कार्यकर्ताओं में भी इसका उत्साह, और अभी अभी मैं बता रहा हूं कि हम बंगाल जैसे संगठनात्मक रूप से हमारा कमजोर राज्य, वहां बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारे देश में कर्नाटक के चुनाव का बहुत फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस में नर्वसनेस आएगी क्योंकि वो एक कर्नाटक मॉडल, एक आइडियल मुख्यमंत्री और फिर राहुल जी की मेहनत, मंदिर मंदिर जाना, अपनी जनेऊ दिखाना, ये सब चीज को भी जनता ने नकार दिया। तो अब सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में अब राहुल जी को किस प्रकार कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी, ये उनके लिए चिंता की बात होगी। हमारे लिए बहुत साफ है कि मोदी जी का नेतृत्व, डेवलपमेंट का एजेंडा, अमित शाह जी की रणनीति, ये कार्यकर्ताओं को उत्साह को बढ़ाएगी और आने वाला कल देश का भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। एक खबर दे दूं आपको बेंगलोर से, दिलचस्प खबर है ये। खबर ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब देवेगौड़ा जी से मिलने जा रहे हैं रुझानों के आने के बाद, तो आप इसमें मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से न कहना, वो वाले गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको इसमें? निश्चित रूप से, ये तो कल रात से ही लग गया था कि ये वहां पर ढोलक मजीर लेके गए हैं और कुछ नया संगीत बजाने की कोशिश करेंगे, पर कर्नाटक की जनता उनको ये अवसर नहीं देगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ स्पष्ट बहुमत हमें दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, आप संसदीय मामलों के संसदीय ऑफिस को भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी कि पार्लियामेंट में मेरे साथ 15 मिनट बैठ ले, मैं 15 मिनट बोल लूं, वो 15 मिनट बैठ नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने पलट के चुनौती दी, राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ये 15 मिनट उनको दे देना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उनको चुनौती दी, राहुल जी ने जवाब नहीं दिया, तो उनको किसी ने जवाब लिख के नहीं दिया होगा, इसलिए मैं राहुल जी को दोष नहीं देता, उनकी टीम को दोष देता हूं कि जवाब उनको लिख के दे देते तो राहुल जी शायद वो भी जवाब दे देते। सवाल ये है कि राहुल जी जिंदगी में कहीं 5 मिनट भी बिना देखे उन्होंने कोई भाषण दिया है क्या? तो इसलिए अब इसी गीदड़ भक्की के सामने कोई मोदी जी डरने वाले या समाज पर कोई असर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी कल की बात है, कल जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, और उसमें एक उन्होंने सीरियस बात लिखी, उनको शायद वो सीरियस लगी, वो बात ये थी कि भाषा की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में। आपको उनके चुनावी भाषण को देखकर ऐसा कुछ लगा क्या? और पूर्व प्रधानमंत्री का वर्तमान के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा लिखना क्या शोभा देता है? देखिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी को बोलना चाहिए था वो बोले नहीं, और अब उनको बुलवाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा किसी भी तरीके से उनका चेहरा आगे करके। कम से कम मनमोहन सिंह जी को मालूम होना चाहिए कि देश की राजनीति में हल्के शब्दों का उपयोग किसने किया।
नीच शब्द प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने बोला क्या? मौत के सौदागर, ये किसने कहा? और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किसने किया इस देश की राजनीति में, ये तो देखें जरा। तो इस देश को प्रदूषित करने का काम, राजनीति को प्रदूषित करने का काम कांग्रेस ने किया, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है कि कर्नाटक में क्या नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए, उसके बाद भी कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। मुझे आप ये बताइए कि 2019 में जो राहुल गांधी हैं उनके असर को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो डिजाइनिंग टीम है उसको फिर से अपने शोरूम में राहुल गांधी को झाड़ के पोंछ के लगाना होगा? हाँ, एक चुनौती तो है उन लोगों के लिए, क्योंकि हर बार वो अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। गुजरात चुनाव में गए तो सारे मंदिर उनको दिखा दिए, यहाँ गए तो मस्जिद भी दिखाई, मदरसे भी दिखाए, गिरजाघर भी दिखाए, कर्नाटक में सब दिखा दिया उन्होंने। तो अलग अलग तरीके से वो राहुल जी को पेश करने की कोशिश करते हैं, और देश की राजनीति में राहुल जी को किस प्रकार के कपड़े पहना के वो निकालते हैं वो हम देखेंगे आने वाले समय में। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, चुनौती उनके लिए है कि वो राहुल जी को किस प्रकार तैयार करें। और ये जो लालू जी कह रहे हैं, ये भी एक चुनौती है कि राहुल नहीं, आप बोले, आप खत्म कर रहे थे, आप खत्म करिए। हाँ, मैं अपनी बात इसलिए कह रहा था कि देश में आने वाले चुनाव में विपक्ष भी राहुल जी को अपना नेता मानेगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा क्या, ये भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इसी बात पर सबसे बड़ा झगड़ा है, और इसी बात पर सबसे बड़ा झगड़ा इसलिए भी शुरू हुआ था क्योंकि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री बनने का सवाल बेंगलोर के अंदर ही पूछा गया था मेरे ख्याल से, और बेंगलोर में उन्होंने जवाब दिया था, और उस जवाब के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है? बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी की थी, और जनता ने जो जवाब आज दिया है, यदि इसका एहसास उनको उस समय नहीं था तो शायद वो ठीक से जमीन को समझ नहीं पाए। क्योंकि राहुल जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने आज 16वां राज्य खोया है, और उनके अध्यक्ष बनने के बाद तीसरा राज्य उनके हाथ से निकला है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और अब कर्नाटक। इसके बाद पंजाब और पुडुचेरी और मिजोरम, तीन राज्य, मिजोरम हो सकता है कि नवंबर में हाथ से निकल जाए। तो इन दो राज्यों के सहारे कांग्रेस अपनी राजनीति अगले लोकसभा चुनाव के लिए कैसे बनाएगी, कहना बड़ा कठिन है। राहुल जी को अभी कोई विपक्ष का नेता, मैं तो कहूंगा संप्रग का भी नेता मानने के लिए कई लोग तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये सोचना पड़ जाएगा। कर्नाटक वो जीते होते तो उनकी हनक बढ़ जाती। और अभय दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभय दुबे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभय के पास मैं चलूंगा, लेकिन कैलाश जी मैं पहले आपके पास आता हूं। आपसे जो मैं बात कर रहा था, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से राहुल गांधी की कैंपेन रही है अभी तक की, आपको क्या लगता है 2019 में उस कैंपेन को देखते हुए उनका जो बयान निकला था इस कैंपेन में, आपने तमाम उनकी कैंपेन देखी, उनका इस कैंपेन में बयान निकला था कि मैं प्रधानमंत्री, अगर मुझे मौका मिलता है और कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी रहती है तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, हाँ क्यों नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और फिर मेरे साथ कैलाजी कट गए, लग रहा है सवाल मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अभय आपके पास चलता हूं, आपके पास आता हूं। अभय, वो आपकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है जिसमें आप कह रहे थे कि हम तो जीतने ही वाले हैं, मैंने वो रिकॉर्डिंग करवा के रखी है, कब चलवाऊं? देखिए, हम अपेक्षा कर रहे थे कि जो काम हमने वहां किए हैं, और विश्वास रखिए ये भारतीय जनता पार्टी भी जब वहां गई तो इस बात को वो दबे स्वरों में स्वीकारती थी कि बहुत काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर चुनाव को पोलराइज करने में सफल रही। अब मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता येदुरप्पा जी को और रेड्डी बंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाए ईमानदारी का, ये उनका विवेक है। अगर वो सरकार बनाते हैं तो वहां मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि कैसे एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कर्नाटका को दें। कांग्रेस पार्टी ने ये करके वहां दिखाया है, उतना प्रतिसाद जनता का मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये बात अलग है, मगर फिर भी हमने जो चुनौती दी थी वो आज भी बरकरार है कि कंपैरेटिवली गवर्नेंस का मॉडल देख लीजिए भाजपा शासित राज्यों का और कांग्रेस शासित कर्नाटका का,
उस बात पर कोई प्रतिउत्तर भाजपा का ना आया है ना आ सकता है। चलिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूं बेंगलुरु अभय, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर इस वक्त बीजेपी दफ्तर में जश्न है। अगर कांग्रेस जीती तो वहां पर जश्न होता। जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वही का जायजा लिया है मेरे सहयोगी प्रकाश पांडे ने, वो भी दिखाते हैं। आखिर लंबे संघर्ष के बाद इतनी लंबी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच चली, जेडीएस भी थी, लेकिन बीजेपी कर्नाटक के किले को भेदने में कामयाब हो गई। आप देख रहे हैं कि नतीजे लगभग पूरे आ चुके हैं। अब एक औपचारिकता भर है कि बीजेपी की सरकार यहां बनेगी कर्नाटक में। मुख्यमंत्री का नाम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, येदुरप्पा का। ये इस वक्त हम लोग कर्नाटक के बीजेपी कार्यालय में, आप देखिए कितनी भव्य बिल्डिंग है ये, अभी कितने डिसिप्लिन यहाँ के कार्यकर्ता और लोग भी है कि ये सड़क पूरी चल रही है। और लेकिन अब जब नतीजे साफ हो गए हैं और ये तय हो गया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तब जाके कार्यकर्ता यहाँ पर बाहर निकले, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर नहीं आ रहे। वो जो है पार्टी के झंडे लेकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और तमाम शोर है यहाँ पर। और यहाँ पर अमूमन जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं वहां पर जिस तरह से पटाखे सड़कों पे लोग छोड़ते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन काफी है लोगों में, लेकिन एक बैरिकेडिंग है। एक मिनट प्रकाश, बहुमत मिल चुका है बीजेपी को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 112 पर भारतीय जनता पार्टी है। हमने कहा था आखिरी में चलते चलते कि हो सकता है कि बहुमत मिल जाए। मुझे थोड़ा कठिन लग रहा था, मगर आपको उसमें आपने कहा था और मैंने भी हामी भरी था ये संभव है, लेकिन आप कह रहे थे मिलेगा करके, दोनों में अंतर था, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। क्या नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि अब तो पूरी तरह साफ हो चुका है कि बीजेपी कर्नाटक का चुनाव जीत चुकी है। अब किसी से बातचीत करने की, किसी से समर्थन लेने की ऐसी सभी संभावनाओं की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। स्थिति तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। इसी के साथ एक तस्वीर और साफ हो गई है कि जितना मर्जी जो कैलाश विजयवर्गीय जी अपने कुछ कलरफुल अंदाज में कह रहे थे, उनका अपना एक अंदाज है बात रखने का, मैं इसको थोड़ा गंभीर रूप में रखना चाहूंगी कि जिस तरह के मर्जी अवतार में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जमीन पर उतारना चुनावी मैदान में कोशिश करे, राहुल गांधी अब ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड, ये बात स्थापित हो चुकी है। क्योंकि हर तरीके से हर फॉर्मूला लगाकर देख लिया, कहीं विकास की बात की, कहीं समावेशी राजनीति की बात की, कहीं अगर समावेशी राजनीति की पोषक है कांग्रेस पार्टी तो लिंगायत समाज को एन चुनाव से पहले उस समाज को लेकर वो एक कदम उठाने की सिद्धरामैया सरकार को क्या जरूरत थी, जो कि सिद्धरामैया खुद भी जानते थे कि संवैधानिक रूप से वो नहीं अप्रूव कर सकते। अगर उनको एक हिंदू, जिसको कि कुछ पत्रकार सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, मुझे नहीं पता सॉफ्ट हिंदुत्व क्या शब्द होता है, जो एक हिंदूवादी नेता की तरह प्रचारित करने की कोशिश होती है, वो गुजरात में नहीं चल पाया। तो बार बार नए नए तरीके से मुझे लगता है कि अब चूंकि स्थिति तस्वीर बिल्कुल साफ है कर्नाटक की, हम एक कदम और आगे चले दीपक जी, और ये सोचें, आप गौर करिए कि जब चुनाव कैंपेन के बिल्कुल अंतिम समय में राहुल गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया, तो हफ्ता 8 दिन बीत चुके हैं इस बयान को, कोई रिएक्शन विपक्ष के किसी नेता का नहीं आया उसको एंडोर्स करने। केवल अखिलेश यादव ने कहा कि समय आने पर इसका फैसला होगा। समय आने पर फैसला ये होगा, ये तो हतोत्साहित करने वाला रिएक्शन है। फैसले को माना नहीं। अब मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल कैलाश जी से बाकी है वो मैं ले लूं। कैलाश जी, जो बात मैं आपसे पूछ रहा था और जो आपसे सैटेलाइट मेरा लिंक कट गया, सवाल ये है कि बात ब्रांड मोदी की, ब्रांड राहुल की है। यहाँ पर ब्रांड राहुल की हम बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने गलती से या सही ढंग से जैसा भी है ये बात कही थी कि हाँ, अगर मुझे कहा गया तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ अगर मेरी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया तो। लेकिन उसका रिएक्शन जो है, जो उसका रिएक्शन था वो राहुल के लिए पॉजिटिव नहीं था सहयोगी दलों में। तो क्या राहुल जैसे नेता को लोग अपना लीडर मानना चाहेंगे 2019 के चुनाव में? और अगर नहीं तो फिर संयुक्त अपोजिशन को लीड कौन करेगा? दीपक भाई, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। अभी आप उनके सहयोगी दल की बात छोड़ दीजिए, इस हार के बाद एक नई बहस प्रारंभ होगी कि कांग्रेस का नेतृत्व तो कौन करे। राहुल जी
जैसे भी सुधा जी ने कहा कि वो टेस्टेड और फेल हो गए हैं, और इसलिए अब पहले तो कांग्रेस में ही इस बात की बहस छिड़ जाएगी कि राहुल जी नेतृत्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे अगला नेतृत्व कांग्रेस का कौन हो, तो अभी तो इस पर बहस छिड़ेगी, उसके बाद फिर सहयोगी दल की भूमिका होगी। इसलिए दीपक भाई आप देखते जाइए, कर्नाटक के चुनाव परिणाम इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लाएंगे, विपक्ष के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और हमारा इससे आत्मविश्वास बढ़ा है। देखिए, मुझको आश्चर्य होता है, जब 60 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को देश ने नकारा, तब क्या उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मदोक, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी अप्रासंगिक हो गए? कतई नहीं। प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो कांग्रेस पार्टी बखूबी निभा रही है। जहां तक एक दो प्रश्न इन्होंने खड़े किए कि लिंगायत समाज को नहीं दिया जा सकता था संवैधानिक रूप से दर्जा, कहां कि कहां लिखा है ये? जैन समाज को कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी 117 हो गई है, बीजेपी 117 हो गई है, अनुजी 112 से भी फर्राटेदार आगे निकली है, बीजेपी 117, कांग्रेस 64, जेडीएस की 39, तो अब थप्पा लग चुका है। राम नबी आजाद साहब का देवगौड़ा साहब के घर जाने का कोई अर्थ नहीं रह गया है, उनको न्योता कौन देगा? नहीं जाए, नहीं हो सकता है, वो अपने आप समर्थन देने जा रहे हों कि आप बनाइए और हम समर्थन, हमारा समर्थन वैसे ही नहीं, राज्यपाल महोदय उन्हें क्यों नहीं होता, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई, जरूरत नहीं रह गई ना, वो ड्राइव जब तक उन्होंने करी ना, तो ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा वही हुआ। कर्नाटक बेंगलुरु में ट्रैफिक भी बहुत होता, बहुत खराब होता है, बेंगलुरु का ट्रैफिक बहुत ही खराब होता है, ऐसा हमने सुना है। हाल ही में बेंगलुरु गया था, मुझे भी वैसा ही ट्रैफिक देखने को मिला था। लेकिन अब फिर आते हैं, अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ जी, देखिए जहां तक प्रश्न कैलाश विजयवर्गीय जी ने, या कौन, मैं नाम नहीं जानता कि राहुल जी को लेकर रखा, हम पूरी दृढ़ता के साथ, अच्छा जी जी, तो स्मिता जी को जान लेना चाहिए कि राहुल जी ने जब कहा कि मैं प्रधानमंत्री, अगर मेरे दल को बहुमत मिलता है तो बनने को तैयार हूं, आप ध्यान कीजिए, स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए, 4 साल से प्रधानमंत्री जी से राहुल जी आग्रह कर रहे हैं कि राहुल जी किसानों, मोदी जी किसानों की सुध लीजिए, बेरोजगारी के हालात गंभीर है, सुध लीजिए, आपको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, जनता आपके पक्ष में खड़ी होगी। लेकिन जब अंततः वो देखते हैं कि बहुत तकलीफ में देश का किसान है, युवा बेरोजगारी की बदतर स्थिति से गुजर रहा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, अगर एक देश को प्रशस्त मार्ग देना है तो मैं आगे आता हूं। मुझको लगता है सारे राजनीतिक दल के शीर्षस्थ नेतृत्व को यह अधिकार है कि वो अपना पक्ष दृढ़ता से रखें। आखिर हैं क्यों हम सार्वजनिक जीवन में? इसीलिए कि जनता की सेवा कर पाए, तो तुलनात्मक रूप से अगर बेहतर सेवा कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी को यह अधिकार है कहने का, और समालोचना करने का भी अधिकार है जो मौजूदा सरकार है उसका। बिल्कुल अभय, आपको अधिकार है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, 117 से 115 हो गई है बीजेपी, लेकिन बहुमत में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश में बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता नहीं है, दलितों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है, बिना मतलब के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है, इन तमाम मुद्दों को उठाने के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है। तो भाई ऐसी क्या अलाउद्दीन का चिराग है अमित शाह जी के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास, जो अलाउद्दीन का चिराग राहुल गांधी नहीं ढूंढ पा रहे? देखिए, आपने बहुत बेहतर तरीके से इन पक्षों को रखा, और अगर आप दस्तावेजी प्रमाण देखेंगे, लगता है भाई हमारे साथ नहीं है, सीधे राकेश के पास चलते हैं, राकेश हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर में से हमारे साथ डटे हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस दफ्तर में क्या आप मायूसी दिखाई दे रही है? देखिए, भले ही राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया हो कर्नाटक चुनाव में, लेकिन देखिए ये कांग्रेस मुख्यालय का दृश्य है, यहां पर पूरी तौर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कांग्रेस का
कोई भी बड़ा नेता यहां पर मौजूद नहीं है, केवल जो है मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था, लेकिन पूरी तौर पर उनकी रणनीति है वो असफल साबित हुई है, जिस तरह से जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं। दीपक जी, आपका क्या लगता है, ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी कि गुलाम नबी आजाद को देवेगौड़ा के पास भेजा जाए, ये ठीक थी या गलत थी? स्ट्रैटेजी ठीक थी, क्योंकि उन्हें अंदाज था कि यदि बहुमत नहीं भी मिला तो एक हंग असेंबली हो रही होगी, इसलिए उन्होंने गुलाम नबी को वहां रखा ताकि कोई पार्टी, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नेताओं को उन्होंने वहां भेजा, तो अपने अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो दोनों प्रमुख नेता हैं उनको वहां भेजा, ये इस मैंडेट के साथ कि जैसा भी जरूरत पड़े तुरंत आप निर्णय लीजिएगा, गोवा और मणिपुर जैसी गलतियां ना हो जाए कांग्रेस से कि ट्रेन चूक गई। मगर यदि जनमत इतना स्पष्ट हो कि आपको कुछ पॉलिटिकिंग करने का अवसर न हो तो जाकर के केवल वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा उनके पास। सुमिता, आपको क्या लगता है कांग्रेस की इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? वो वैसा ही हो गया है कि वो बंदर आया बंदर आया बंदर आया, हाँ, और जब बंदर को मारने के लिए इंतजाम किया बंदर आया ही नहीं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इडियम है, एक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उन्होंने कम से कम 11 बजे तक का तो इंतजार करना चाहिए था किसी से मेल मुलाकात की रणनीति तय करने के पहले। अगर उनके दिल में ये मंशा थी भी कि वो जेडीएस से बात करें, जेडीएस के अलावा बात करने के लिए और कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन उनको देखना चाहिए था कि किस तरह से चुनावी टैली जो है वो तेजी से बदला 9-7 के बाद का जो समय है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स के उस पर चली गई कि हंग असेंबली निश्चित रूप से होगी, और जब हंग असेंबली होगी मुझे लगता है बिल्कुल इसी को ध्यान में रखकर, हंग असेंबली की तस्वीर को ध्यान में रखकर ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने वो दलित मुख्यमंत्री वाला एक शगुफा उन्होंने बीच में छेड़ा। आपको ध्यान है कि पूरे चुनाव नतीजे कैंपेन के दौरान एक बार भी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ख्याल उनके जहन में नहीं आया। ये वोट पड़ने के बाद उनको ध्यान आया कि दलित भी मुख्यमंत्री बनाने का एक कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि शायद उनको लगा कि यही एक कार्ड है जिस पर कि जेडीएस प्लस मायावती का जो एक दोस्ती बनी है उसको प्रभावित किया जा सकता है। मुझे लगता है अब ये केवल एकेडमिक बहस की बात रह गई है, क्योंकि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, एकेडमिक से ज्यादा बहस क्या होती है, माल की होती है, पैसा। मन चंगा तो कटौती में गंगा लोग बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर हम इस विषय पर आकर चर्चा करना चाहते हैं दीपक जी, तो मुझे लगता है अब तो कांग्रेस को पहले सोचना चाहिए। जेडीएस का तो जो होगा देखा जाएगा, उनको वैसे बहुत बुरा चुनाव उनका मुझे नहीं तो शेयर मार्केट का मुझे तो चिंता कांग्रेस पार्टी के मान की हो रही है। अनुज जी को भी शेयर मार्केट का सोचना है कि 100-200 रुपए आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, और आगे हो रहा है शेयर मार्केट। लेकिन आप जब कांग्रेस के प्रतिनिधि से बात करें दीपक जी, तो ये जरूर पूछिएगा कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्रा कहां से आएगी। उन्हें एक बड़ा चुनाव लड़ना है दिल्ली का, और मुद्रा बैंक इसके लिए लोन नहीं देगा। नहीं, लोन तो आ ही जाएगा, क्योंकि क्रेडिट डेबिट सब चलता ही रहता है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना फंड मैनेजमेंट का इंतजाम रहता है। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं राकेश के पास चलता हूं। राकेश, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर अब लोग क्या कर रहे होंगे, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर उनके दिमाग में क्या उठा पटक चल रही होगी, ऐसे वक्त जब कर्नाटक में साफ बहुमत मिल चुका है, पार्टी का मोरल बहुत ज्यादा डाउन होगा जो गुजरात के बाद अब हुआ था। देखिए, कांग्रेस के दो जनरल सेक्रेटरी से मेरी बातचीत हुई, उनकी आशा जो कर्नाटक चुनाव को लेकर ये ज्यादा थी उसमें था कि इसमें उन्हें पार्टी की जीत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से निराशा हाथ लगी है उससे कहीं ना कहीं पार्टी में साफ तौर पर राहुल गांधी के प्रति एक, भले ही कोई कैमरे पर बोले या ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ होने लगा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया और वहां पर जो स्थानीय नेतृत्व यानी सिद्धारमैया को आगे करके उन्होंने वहां पर धुआंधार प्रचार किया था, मठ मंदिर तक वो लगातार दौरे किए थे, लेकिन उसका नतीजा उन्हें यहां पर जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए शुभ साबित नहीं हुए।
तो ये साफ है कि पूरी तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी को अगर 2019 की बात किया जाए तो रणनीति में पूरी तौर पर बदलाव करना होगा। रणनीति के अंदर बदलाव करना होगा। सीधे हम चलते हैं बेंगलोर, जहां मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने बात की है पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा से। साथ ही केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा जो कि कर्नाटक के बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गौड़ा साहब जी प्रश्न किसको देते हैं? अध्यक्ष हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेता हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और येडियुरप्पा और सारा हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और सारा हमारा बूथ लेवल पर जीत। शुरू में जिस तरह के रुझान लग रहे थे कि सिद्धरमैया जो है कैप्चर किए हुए बीजेपी जीत नहीं सकती, एकदम से जब शुरू में रुझान भी आ रहे थे ट्रेंड्स आ रहे थे उसमें भी आप पिछड़ रहे थे, तो क्या उम्मीद थी तब? नहीं, ऐसा नहीं था। अब बाहर से थोड़ा इधर उधर ऐसा देखा था तो लगता है ऑडियो के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, फिर से हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। अनु जी, मेरा जो जानना था वो एक बार इसको फिर सेफोलॉजिकली समझना था कि ये डाटा आपके हिसाब से सेफोलॉजी के हिसाब से अभी तक का डाटा कहता क्या है, क्योंकि बीजेपी अब फिर 114 पर आ गई है, कांग्रेस 65 पर, जेडीएस प्लस 41 पर और अदर्स 2 पर। देखिए 222 में 112 पर बहुमत होता है और बीजेपी उससे ऊपर है, सारी सीटों के रुझान इस समय दिख रहे हैं। वोट शेयर में भी अभी तक बीजेपी आधा पौन प्रतिशत से कांग्रेस से आगे है और मुझे लग रहा है कि ये जो रुझान सुबह से बना हुआ है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत आगे है और कर्नाटक के इतिहास में विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है बीजेपी के लिए, तो मुझे लगता है ये रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और बना हुआ है। ये बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छी खबर है कि वो कांग्रेस से अधिक वोट ले रही है पहली बार। और अगर इसको इस ढंग से इंटरप्रेट किया जाए कि 2019 से इसको लिंक करके देखा जाए कि 2019 से इस चुनाव को जीतने से कितना मोराल बढ़ेगा? दीपक, ये एक हंसी की बात है, मिथ टूटेगा या सपने टूटेंगे, मेरा एक बात क्यों, कर्नाटक में एक मिथ बना हुआ है पिछले 35-40 सालों से कि जो अभी विधानसभा चुनाव जीता अगली केंद्र में उसकी सरकार नहीं होती। बिल्कुल, तो ये मिथ इस बार टूटेगा या सपने टूटेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस में कोई आज बोले राहुल जी के पास जाकर के, अरे कर्नाटक हार गए तो क्या, लोकसभा तो अपन जीतेंगे अब मिथ के हिसाब से, मगर मिथ टूट गया सपने टूट जाएंगे वहां पर। बीजेपी के लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो लग रहा था कि उसका ग्राफ कमजोर हो रहा है, या कांग्रेस के लोग जो ये अफवाह फैला रहे थे कि लोकसभा में विश्वास मत के समय भाजपा के डिसग्रंटल्ड सांसद विद्रोह करके वोट डाल सकते होंगे, वो खतरा अब कांग्रेस की तरफ पलट जाएगा। जो बीजेपी के महासचिव जो कह रहे थे, मुझे वो बात पहले से लोग कहते रहे हैं कि यदि कर्नाटक कांग्रेस हारती है तो राहुल जी के नेतृत्व के प्रति बड़े नेताओं के अंदर, जो बड़े बुजुर्ग नेता जो हैं, उनके अंदर एक अविश्वास पैदा होगा। ये गलत तो नहीं कर दिया हमने? बिल्कुल बिल्कुल, लोग पहले से भी मानते रहे गलत कर दिया, ऑप्शन नहीं इसलिए राहुल जी को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन क्या इनसे हम लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे, अब वो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उनके ऊपर लग गया है।